शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग दो में संकलित जूझ, जो आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव हैं, उनका द्वितीय व्याख्यान अर्थात सेकंड लेक्चर देखेंगे। गए दिनों में बच्चों हमने देखा था कि जो लेखक देसाई अर्थात दत्ता राव जी जो होते हैं, देसाई सरकार जिनको कहा जाता है, उनके यहाँ अपनी माँ को लेकर के जाता है और प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव के अपनी पढ़ाई के संदर्भ में। लेकिन फिर उसके पिता जब आते हैं तब दत्ता राव जी के यहाँ बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे का भी वहाँ जाना होता है और सवाल जवाब होता है, वहाँ इसको अनुमति मिल जाती है। उसके बाद का आगे क्या होता है ये अगले पैराग्राफ में, आज के पैराग्राफ में देखेंगे। आइए पेज नंबर 25 की बनाई। देसाई के मल्ला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बल चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दत्ता राव जी ने खूब फटकार लगाई, खूब फटकार लगाने के बाद उनको काम करने के लिए अर्थात देसाई सरकार ने इनको काम करने के लिए मजबूर किया और बच्चों को इस तरह से, पत्नी को इस तरह से काम धंधे में लगा कर करके अपने फ्री होकर के घूमना, ऐसे उनकी बड़ी इंसल्ट, बड़ी बेइज्जती करते हैं दत्ता राव जी और उनको खूब डांट डपट करके छोड़ देते हैं। दादा के हर एक तर्क को दत्ता राव जी ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की। और दादा के हर एक को दत्ता राव जी ने जितने तर्क इसके दादा ने दिए इसके पढ़ाई के संदर्भ में, उन्होंने सबको फेल कर दिया। और फेल करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में इसको कल से स्कूल जाने चाहिए, मैं इसके अतिरिक्त एक भी शब्द नहीं सुनूंगा और कल ही तुम उसे पूरी फीस वहाँ चुकता कर दोगे और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रखना। और हमको भी दत्ता राव जी ने खूब नसीहत दी कि मन लगा करके खूब पढ़ाई करें और किसी भी तरह से इस साल बेकार नहीं होना चाहिए। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। उसके बाद दत्ता राव जी ने हमको इतना विश्वास दिलाया कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद अगर मेरे दादा पढ़ने मुझे नहीं भेजते हैं तब मैं दत्ता राव जी के यहाँ चला जाऊँ और जो कुछ उनके यहाँ घर का काम हो वह सुबह शाम समय मिले तो करें, नहीं तो बाकी समय पढ़ाई करें और पढ़ाई के अतिरिक्त अगर कुछ करने की इच्छा हो तो उनके कामों में हाथ बटाएं। यही उनकी इच्छा थी कि हम उनके यहाँ चले जाएं। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ पाठशाला आते जाते रह, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। और उन्होंने यह भी कहा कि बाबूजी के पास ज़्यादा अर्थात मेरे दादा के पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए हमको इस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको पढ़ाई से वंचित करते हैं, और ऐसा कह करके उन्होंने उनको डांटा फटकारा। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत चलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया। वह कहते हैं मैंने इसको कब मना किया है, जरा गलत सी आदत पड़ गई थी इसलिए अर्थात ये गलत बच्चों की संगत में आ गया था इसलिए मैं इसे वहाँ से निकाल करके और अपने सामने रख लिया। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कहीं कंडे बेचता है, कहीं चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। फिर बालक कहता है कि अचानक दादा को जैसे एक पॉइंट मिला हो, एक ऐसा मैटर मिला कि मेरी कुछ बुरी आदतें थीं और उसको दादा एक एक करके उसके प्याज के
कवर की तरह उखाड़ते, कई एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक कई सारी यादें, मेरी बुरी यादें उनके सामने रख दिए। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत में, उन्होंने कहा। नहीं जी, ये सब गलत है। एक बार मैंने पट्टा था सट्टा लगा दिया था, और दादा तो कभी सिनेमा देखने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए खेत में गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैं भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। कहता है कि मैं भी उनके सामने, जैसे मेरे दादा थे उनके सामने, हम भी एक दो शब्द सच और एक दो शब्द झूठ मिला करके अपनी सारी बातें दत्ताजी राव के सामने रख दी। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कहीं कभी। और उन्होंने कहा चलो ठीक है कि सब कुछ छोड़ दो और अब से पढ़ाई में मन लगाओ, तुम आज तक कभी ना पास अर्थात फेल नहीं हुए हो तो मुझे उम्मीद है तुम कुछ कर पाओगे। नहीं जी, पाठशाला जाना ये बंद करा दिया इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ दादा, नहीं पाठशाला जाना बंद करा दिया था इसलिए मैं परीक्षा नहीं दे पाया हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। और दत्ता राव जी ने कहा कि आज मैं घर जाऊँ और कल सुबह से ही मुझे पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। जी अर्थात उनके सामने मैं स्वीकार बोधक शब्द है जी। मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात का उसे पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या? बच्चा कहता है कि जैसे हम बाहर हुए तो दादा को फिर दत्ता राव जी ने डांट लगाई कि बच्चा है, एक दो बार सिनेमा चला जाता है, एक दो बार खेलने चला जाता है, या एक दो बार की बुरी संगत में पड़ जाता है तो क्या इसे इसे शिक्षा से वंचित कर दोगे, इसका हक ही मार लोगे, आदि आदि बातें करके फिर उन्होंने डांट लगाई। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। फिर दादा ने कहा कि जी हम जरूर ऐसा करेंगे अगर आप कहते हैं तो, और मैं इसे भेज देता हूँ, देखता हूँ एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही। उन्होंने कहा कि फिर बच्चा कहता है आनंदा खुद जो जिसको केंद्र में रख करके कहानी लिखी जाती है वो खुद कहने का कार्य करता है कि उसके बाद ऐसा देखा गया कि मेरे साथ इतने सारे टर्म कंडीशन लगा दिए गए कि खाना खाते खाते दादा ने मुझे अपने वचनों में बांध लिया कि पाठशाला 11 बजे से होती है तो दिन निकलते ही खेत पर हाजिरी होना चाहिए, अर्थात जैसे सुबह होगी और सूर्योदय होगा तो मैं खेत पर पहुंच जाऊं, 11 बजे तक पानी लगाना, अर्थात खेत में पहले कुएं से ढेकुल से आज से पानियां निकाला जाता था तो उसमें बराए जाते थे, कम कम पानी आता था और क्यारियों में छोटी छोटी क्यारियों में पानियों को खोला जाता था, तो पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुँचे, 11 बजे हम स्कूल जाएं, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना होगा, अर्थात मुझे अपने बस्ते खेत पर ही ले जाना होगा, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर आधा घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैरहाजिर लगाना, समझे मंजूर है ना का। उन्होंने कहा कि देखो इतने सारे टर्म कंडीशन हैं कि तुम सूर्योदय होते ही खेत में जाओगे और 11 बजे तक खेत में पानी लगाओगे, फिर विद्यालय जाओगे, फिर घर आओगे, बस्ता रखोगे और फिर तुम ढोर अर्थात अपने गाय भैंसों को लेकर के चराने चले जाओगे, और किसी दिन खेतों में अत्यधिक काम हुआ उस दिन तुम वचन दो कि स्कूल नहीं जाओगे और खेतों का ही काम करोगे। हाँ खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हो, मन आनंद से उमड़ रहा था और मैं स्कूल जाने की खुशी में पूरी तरह से झूम उठा था और जैसे उनकी हर एक बात मुझे स्वीकार हो, मैं सब कुछ में हामी भरता चलता चला जा रहा था। हाँ तो इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। उन्होंने कहा अगर इतनी बातें तुमको स्वीकार हो तो तुम पाठशाला जाओ, नहीं तो ये पढ़ना लिखना सब बेकार है।
मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। वो कहे कि मैं सुबह शाम सवेरों पर खेतों पर आकर के देखता रहूँगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। और फिर दादा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव में जहाँ हम रहेंगे वहीं आ करके और मुझे वो मारने पीटने लगेंगे और मुझे उस दिन से छोड़ेंगे नहीं। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है, बलिष्ठ नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा और दादा ने उसे ढेर सारे की बलिष्ठ पढ़ ले करके तू क्या करेगा, बलिष्ठ नहीं होएगा वगैरह वगैरह की बात वो करते थे और हम सबको स्वीकार करते। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आज का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम में काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहे। रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। और कहता फिर अगले दिन रोते धोते पाठशाला जाना शुरू हो गया। फिर जो घर के काम ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात हवा पानी भूख प्याज कुछ का ख्याल ना करते हुए जो खेती का काम हम करते थे इससे मुझे मुक्ति मिल गई। और उसके आगे जो मास्टर की छड़ी थी वो मुझे प्यारी लगती थी। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में व्यतीत हुए। पहली बार ऐसा हुआ था कि आनंदा को भरपूर समय छाँवों में रहने के लिए मिला था, नहीं तो आनंदा पूरा पूरा टाइम अपना खेतों में ही व्यतीत कर देता था। इसको लेकर के बड़ा खुश था। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी और वो 5वीं में ही क्लास छोड़ देने की वजह से, स्कूल ना जाने की वजह से जो नापास उसके आगे फेल होने का या नहीं पास हुआ है ऐसा शब्द लगा था, इससे इस टिप्पणी से वो वंचित नहीं हुआ और फिर उसका उसी दर्जे में एडमिशन हो गया। वह 5वीं के ही रजिस्टर हाजिर रजिस्टर में लिखा रहा गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। कहता है पहले दिन पाठशाला में जैसे हम पहुंचे तो गली में सिर्फ 2 लड़के हमारे परिचित मिले और पाठशाला में तो कोई नहीं, क्योंकि हम जिस कक्षा में थे उसमें से सारे बच्चे आगे की कक्षा में चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। और कहता हम उम्र के अर्थात हमसे समकक्ष जो था कोई बच्चा नहीं था, सारे बच्चे छोड़ थे और जिनको मैं बुद्धि विवेक में अपने से कम आंकता था अब उनके साथ मुझे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों का कक्षा से कोई संबंध नहीं था। कहता है जा कर के पीछे सीट पे हम चुपचाप बैठ गए। कौन मास्टर है, कौन सी किताबें, कौन सी बुकें आज लगेंगी इसका मुझे कोई जरा सा भी परवाह नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। फिर कहता है कि थैले में लेकर के और जैसे बस अड्डे पे कोई छोटा बच्चा अपने सामान की, अपने पोटली की, अपने गठरी की, अपने सामान की रक्षा करता है, चुपचाप एकात्मक बैठा रहता है, मैं भी वैसे ही चुपचाप बैठा था। देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए क्या नाम है मेहमान, फिर क्लास में मुझसे पूछा गया क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे शरारती ज़्यादा शरारती चहाड़ के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। हर एक क्लास में कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं तो एक सबसे शरारती बच्चा आ करके और उसका मजाक उड़ाते हुए ये पूछता है कि क्या नाम है आपका मेहमान, आप कक्षा में नए दिखाई देते हैं या गलती से इस कक्षा में आकर के बैठ गए हैं। वो भी सत्र के बीच में गया हुआ था। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालगड़ी की लाल मट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। कहता है मेरा जो परिधान था, जो वस्त्र था, वह पूरे क्लास में सबसे भिन्न था। अर्थात धोती और गमछा और उसमें
पहन कर करके मटमैली धोती और गमछा पहनने वाला शायद मैं उस स्कूल में अकेला ही था। देखते देखते तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। कंधे पर रखने वाला एक वस्त्र है, कहता है देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने खींच लिया। गया अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन ही मन मैं सोचने लगा कि अब सारे बच्चे उसको खींचेंगे और खींचते खींचते वो फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए होश की आवाज़ की और कहते जैसे शिक्षक आते थे और उनकी भाव भंगिमा उनके रोल प्ले में उनका अभिनय करते हुए बच्चे ने अपने सर पर बांधा, फिर उठा करके मेज पर रख कर करके और उनकी तरह आवाज़ निकालने लगा। इतने में मास्टर आ गया और गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा और इतना करते ही जैसे शिक्षक महोदय आए फिर वो फटाक से अपनी जगह पर जा कर के बैठ गया। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल को धड़क बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। एक तो पहला दिन क्लास में हम नए थे और पहले ही दिन हमारे साथ घटनाएं घटित हो गई, इसको लेकर के हमारे दिल की धड़कन और बढ़ गई। मेरा रणमरे मास्टर कक्षा में आए, टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे। और जैसे मास्टर साहब कक्षा में आए आकर के और जैसे मटमैला गंदा देखे गमछा जो न जाने कितने दिनों से नहीं धुला हुआ था, वो देखते ही कहे कि ये किसका है रे। मेरा है मास्टर, तू कौन? और हमने बोला कि मेरा है मास्टर साहब, तो तू कौन? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। तब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जकाते है और मैं पिछली कक्षा में फेल होकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। और जैसे उन्होंने नीचे कर दिया और नीचे करने के बाद वो डंडे से उठा करके रख दिए और बहुत मार पड़ी। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरा सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चाँड का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए और कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे मास्टर जैसे मैंने चांद का नाम लिया कहते कहते वो धीरे धीरे उनकी तरफ चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। मास्टर साहब मेरे विषय में और जो कुछ उनको जानना था वो सारी चीज़ें जाने और वामन पंडित की एक कविता थी अर्थात मराठी के लेखक हैं और उनकी एक कविता वो बड़े स्वर में आकर के पढ़ाने लगे और पढ़ाने में पूरी तरह से मस्तमौले हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या वो कक्षा में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, क्या उसके साथ और कोई दिक्कतें आती है, क्या वो अगली कक्षा में जा पाता है, क्या उसके साथ शिक्षक का कैसा संबंध होता है आदि बातें इसके अगले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा कि फिर इसका पढ़ाई के प्रति कैसी मनोवृत्ति बदलती है और मराठी साहित्य में इसकी रुचियां कैसे जागृत होती है और एक एक करके क्लास में सबसे अव्वल अर्थात सबसे टॉपर बच्चों की श्रेणी में आ जाता है और अपनी लगन मेहनत से सब कुछ परिवर्तित कर देता है। ऐसे बालक की गाथा अगले एपिसोड में फिर देखने को मिलेगा। अगला पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें लेक्चर थर्ड में ये सारी बातें आपको पुनः देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।